बसमिल रहीम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर के फर्स्ट नाइन क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज क्वेश्चन नंबर टेन से स्टार्ट करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा अब यहां पे स्टूडेंट्स इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस को थीटा इंटू टेन थीटा माइनस को थीटा इंटू साइन थीटा अब जो फर्स्ट टर्म है इसमें कॉट थीटा की जगह हम वन ओवर टेन थीटा लिखेंगे इंटू टेन थीटा तो ये टेन थीटा टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा माइनस कॉट थीटा की जगह थीटा ओवर साइन थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कुसिकेंड थीटा की जगह वन ओवर साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कुसिकेंड थीटा इनटू टेन थीटा की जगह साइन थीटा ओवर थीटा माइनस थीटा की जगह वन ओवर साइन थीटा इन साइन थीटा अब फर्स्ट टर्म में टेन थीटा टेन थीटा से कैंसल हो गया नेक्स्ट टर्म में साइन थीटा कैंसल हो गया यहां पे भी साइन थीटा कैंसल हो गया और यहां पे भी साइन थीटा कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म में हमारे पास रिमेनिंग वन बच गया माइनस कॉस थीटा प्लस वन ओवर कॉस थीटा माइनस वन अब ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे तो वन ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा वन ओवर कॉस थीटा की जगह हम सीकेंड थीटा लिखेंगे क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है माइनस कॉस थीटा तो स्टूडेंट्स और करें राइट हैंड साइड सेम यही है तो ये हमने आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर इलेवन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अब यहां पे स्टूडेंट्स हम इस फ्रैक्शन को डिवीजन के साइन के साथ लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन ये डिवीजन के साइन के साथ स्टूडेंट्स इसलिए लिखा है कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और ये फ्रैक्शंस बन जाएंगी तो इसका हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में मजीद फ्रैक्शन बन जाएगी इससे बचने के लिए मैंने फ्रैक्शन को डिवीजन के साइन के साथ लिखा है अब हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा याद इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे माइनस वन अब हम इसका एलसीएम लेंगे थीटा प्लस कॉस थीटा इज आएगा डिवाइडेड बाय थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा पे एलसीएम को डिवाइड करें तो रिजल्ट वन आएगा वन को स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर थीटा आ गया वन का डिनोमिनेटर वन है तो कॉस स्क्वायर थीटा को वन पे डिवाइड करें तो रिजल्ट कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा को वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस थीटा आ गया अब जो सेकंड फ्रैक्शन है इसके न्यूमिरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज आएगा डिवाइडेड बाय इसकी जगह हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा अब डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसी प्रोकल हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस थीटा अब साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा से कैंसल हो गया रिमेनिंग हमारे पास बच गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो स्टूडेंट्स यही राइट हैंड साइड है जो क्वेश्चन हमें गिवन है तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ये आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो गई जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा अब सीकेंड थीटा को हम वन ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉस थीटा का है माइनस है थीटा अब इसका एलसीएम लेंगे थीटा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा को कॉस थीटा पे डिवाइड करें रिजल्ट वन आया वन इंटू वन वन आ गया माइनस थीटा का डिनोमिनेटर वन है तो थीटा को वन पे डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा थीटा थीटा को cos से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा हो गया अब वन माइनस कॉस स्क्र थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के ओवर कॉस थीटा अब जो राइट हैंड साइड है गिवन स्टेटमेंट की उसमें टेन थीटा इंटू साइन थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा है इसमें से हम एक साइन थीटा अलग कर देंगे ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा आ गया इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है इसकी जगह हम टेन थीटा लिखेंगे इन टू साइन थीटा तो यही राइट हैंड साइड है तो ये आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो गई अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अब यहां पे भी एलसीएम लेंगे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम को कॉस थीटा से डिवाइड किया रिजल्ट वन आया वन को साइंस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट साइंस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस कॉस थीटा का डिनोमिनेटर वन है तो एलसीएम को वन से डिवाइड किया तो कॉस थीटा आएगा कॉस थीटा को न्यूमिनेटर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया अब साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ये वन के इक्वल होती है वन ओवर कॉस थीटा और वन ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंड थीटा के और जो क्वेश्चन गिवन है उसकी राइट हैंड साइड भी सीकेंड थीटा ही है तो ये आइडेंटिटी भी वेरीफाई होगी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कोई भी एक साइड लेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल वेरीफाई करेंगे अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू थीटा प्लस साइन थीटा अब यहां पे स्टूडेंट्स दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने मल्टीप्लीकेशन की थी यहां पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा इंटू थीटा आ जाएगा टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा कॉस थीटा लिखें तो कॉस्थीटा कॉस् थीटा से कैंसल हो जाएगा फिर टेन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा इन साइन थीटा आएगा टेन थीटा की जगह साइन तो कैंसलेशन नहीं होगी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा तो अब हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से वैल्यूज की कटिंग नहीं होगी हम इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है उसको हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे थीटा ओवर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेकंड फैक्टर आ जाएगा अब फर्स्ट जो फैक्टर है इसका एलसीएम लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो कॉस थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा बचेगा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा बचेगा तो कॉस थीटा को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया सेकंड फैक्टर एज इट इज आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है ओवर कॉस थीटा इनटू साइन थीटा सेकंड फैक्टर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब वन को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो थीटा प्लस साइन थीटा न्यूमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर में थीटा इनटू साइन थीटा अब न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हैं तो इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं तो कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर थीटा इनटू साइन थीटा यहां कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा यहां पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो वन ओवर साइन थीटा प्लस वन ओवर कॉस थीटा बच गया वन ओवर साइन थीटा को सीकेंड थीटा के इक्वल होता है प्लस वन ओवर कॉस थीटा सीकेंड थीटा के इक्वल होता है अब राइट हैंड साइड जो हमारे पास है उसमें सीकेंड थीटा पहले लिखा हुआ है को सीकेंड थीटा सेकंड टर्म है तो हम को सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा प्लस को सीकेंड थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ साइन पॉजिटिव हैं तो टर्म्स आगे पीछे कर भी दें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा ये राइट हैंड साइड आ गई तो ये आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो गई तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 के 16 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज़ होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज